enter Bollywood. Want to catch all the excitement of Bollywood? Just log on to zoomtv.in. Welcome back to KitKat Presents Planet Bollywood Breaking Bollywood News. बॉलीवुड सेलेब्स को इन दिनों चढ़ गया है एक ऐसा बुखार जिससे उबरने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये बुखार है ब्रेकअप का बुखार और इसके शिकार बने हैं बॉलीवुड के नए लव बर्ड्स शाहिद प्रियंका और रणबीर दीपिका, जो रिलेशनशिप्स के कमजोर होने के बावजूद अपना रहे हैं जस्ट मूव ऑन का मंत्रा। सो आज हम किटकैट ब्रेकिंग न्यूज में खुलासा करेंगे इन स्टार्स के इसी मूव ऑन एटीट्यूड का। कुछ ना रहे तो ना सही, ना बने ना सही, ना मिले तो भी ना सही। शाहिद कपूर, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर का मानो बस यही मंत्र हो, भाई ने ब्रेकअप फीवर जो हो गया है। ये फीवर कभी चढ़ता है तो कभी उतर भी जाता है, लेकिन इन दो हॉट कपल्स के अलग होने की ना सिर्फ अफवाहें हैं बल्कि खुद ऐसी निशानियां भी हैं जो इन्हीं अफवाहों पर सच की मुहर भी लगा जाती हैं। सबसे पहले बात दीपिका पादुकोण और उनके सावरिया रणबीर कपूर की। इनके प्यार की गहराई नापने वाली स्केल शायद ही बनी हो, मगर जब से कटरीना के रणबीर के लाइफ में आने की खबरें हैं तब से आ गया है इस अजब प्रेम कहानी में गजब का ट्विस्ट। और रीसेंट ट्विस्ट तो ऐसा आया कि ब्रेकअप की खबर पक्की ही समझो। दीपिका को जाना था रणबीर के कजिन की शादी में, मगर उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के इस खास ओकेजन की बजाय चूज की एक अवार्ड नाइट की परफॉर्मेंस। मगर जब दीपिका से रणबीर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने उसे अनसुना कर दिया। अगर दीपिका ने प्रायोरिटी दी अपनी कमिटमेंट को, तो वहीं पिछले कुछ दिनों से अपने ब्रेकअप की खबरों को अनदेखा और अनसुना कर रणबीर ने दीपिका का रिप्लेसमेंट माने जाने वाली कटरीना के साथ खूब किया अजब प्रेम की गजब कहानी का प्रमोशन। ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं शाशा और पीसी भी। कमीने के साथ हाइप हुई इनकी लव स्टोरी भी अब ठंडी पड़ती नजर आ रही है। दोनों कई दिनों बाद साथ आए एक अवार्ड सेरेमनी में, मगर एक दूसरे को दी कोल्ड वाइब्स। जल्दबाजी में नजर आ रहे शाहिद कपूर को जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि प्रियंका को भी तो अवार्ड मिलने वाला है और आप जा रहे हैं, प्रियंका को नहीं मिला आप जा रहे हैं? नहीं, I'm right here actually. I need to go and do some interviews. I'm right around. Don't worry, I'm right here. मगर फाहिद कपूर मतलब शाहिद कपूर अपने इस वादे से चूक गए। इससे पहले कि प्रियंका अवार्ड लेती, शाहिद चलते बने। मगर अपने खास दोस्त की चीयर अप ना करने का मलाल पिगी चॉप्स के चेहरे पर बिल्कुल नहीं था। वही शायद इन्होंने भी अपना लिया है मूव ऑन का वही मंत्रा, जहां कामयाबी के रास्तों पर जाने पहचाने अजनबी से मुलाकात भी मंजूर है। गायत्री केरकर के साथ गौरव दुबे, जूम मुंबई। कुछ ना हुए तो ना सही, ना बने तो ना सही, ना मिले ना सही, कुछ ना रहे तो ना सही।